Hello everyone, good morning to all of you. आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा. Okay, सब लोग प्रोसीड कर सकते हैं. लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया है या उससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं इसी के, उसमें आपको कोई डाउट कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. Anything you want to be repeated or anything you want to ask? Any theoretical conceptual issues? Okay, if there's none, that's the best case scenario. चलेगा तो मैं आपको आगे बताता हूँ और पहले तो ये समराइज कर देता हूँ अभी तक आपने क्या पढ़ा. आपका रिविजन हो जाएगा. आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका रिवीजन यहीं पे हो जाएगा और बाकी आप तो रिवाइज करेंगे. अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने देखा था, करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसका सोर्स होता है. और अगर हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, तो ये बेसिकली फेजर होता है, टाइम का फंक्शन होता है. तो नोटेशन में क्या होता है, जब हम नॉट लगाते हैं तो पीक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होता है, V सिंपली लिखते हैं तो RMS वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और इस तरह से लगाते हैं तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा होता है. तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए, ये RMS के लिए और ये पीक के लिए. इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ जो फंक्शन ऑफ टाइम है. जैसे कि जनरली ये नोटेशन रहते हैं बट कई बार कोई बुक, कोई टेस्ट पेपर या कुछ मटेरियल में अलग इंडिकेशन आ सकते हैं, तो वो लिख के बताएगा कि किसको हम RMS बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं. और RMS को कई बार हम लोग RMS भी लिखते हैं तो वो भी बनता है, और कभी सिंपली V से लिख देते हैं, इसका मतलब वो RMS है. तीनों को डिफरेंस समझ कर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है. ठीक है, इसमें आपने पीक ये सब देखा और आपने देखा किसी भी सर्किट में अगर ये वोल्टेज लगाया आपने तो कितना करंट डिलीवरी आ जाती है. करंट की जो डिलीवरी आ जाती है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होती है. अब ये आई नॉट फाई निकालने का जो हमारा स्टेप है, तो उसमें हम आई नॉट कैसे निकालते हैं. आई नॉट निकालने के लिए जो वी नॉट है वो डिवाइड बाई जेड कर देते हैं, जहाँ जेड एक इम्पीडेंस होता है. तो अपने को अगर इम्पीडेंस पता चल जाए तो हमारा आई नॉट आ जाता है. अच्छा, फाई कैसे निकालते हैं. फाई और जेड को दोनों को निकालने के लिए फेजर बनाते हैं. तो आपको फेजर डायग्राम बनाना होता है और फेजर डायग्राम से हम लोग दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जेड भी कैलकुलेट करते हैं और फाई भी कैलकुलेट करते हैं. ये पूरी स्टोरी है इसकी. और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो फेज के बारे में या फिर जेड के बारे में या फिर करंट के बारे में और समथिंग लाइक दैट. और भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि ये जो फाई है प्लस आता है माइनस आता है, मीन्स करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, क्या चल रहा होता है, उसके बारे में बात करना होता है. इस बेसिक स्टोरी को हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल में हैंडल किया है, जैसे कि आरसी सर्किट को देखा है, आरसी सीरीज को देखा है. फिर हम लोगों ने आरएल सीरीज के लिए फॉर्मूला बना रखे हैं. फिर फाइनली हमने आरएलसी सीरीज को भी कवर कर रखा है और लास्ट में हम लोगों ने आरएलसी पैरेलल के बारे में बात कर रखी है. सो सीरीज और पैरेलल के अगर आपने दोनों कर लिए, इसका हम सीरीज और पैरेलल को हम सॉल्व कर सकते हैं. एक बार हम लोग सीरीज को अलग और पैरेलल को अलग लर्न कर चुके हैं, कर लिए होते हैं, इसके बाद हम उसके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को भी हैंडल कर लेते हैं. दैट मीन्स कुछ सीरीज में होगा, कुछ पैरेलल में होगा, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं. टेक्निक वही रहेगी, अपने को एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो आज हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के इक्वेशन पिक कर सकते हैं और उसके आगे भी और भी जो पॉइंट्स उनको स्टडी करेंगे. तो अभी तक आपने इतना पढ़ रखा है, इसमें कोई किसी पॉइंट पर इश्यू जा रहा है. अगर आपको लगता है कोई आपको कम समझ में आया, कोई पोर्शन, कोई डेफिनेशन, तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ. अदरवाइज हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे और फिर एक दो और भी एग्जांपल करेंगे मिक्स्ड केस के लिए भी. सीम्स की आपको समझता है, अच्छी बात है. लेट्स सी कि एग्जांपल आपको दिया गया कुछ ऐसा कि एक सर्किट दिखाया गया जिसमें ये आर दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है,
यहाँ पर एक सोर्स बना के दिया गया, सभी को आंसर देने की कोशिश करनी है, और लेट से कि इसकी जो आर की वैल्यू है वो अपने को दे देता है, कोई भी नंबर हम लोग चूज कर सकते हैं, सो लेट से 30 ओम है, ये एक्सएल अपने को दिया हुआ है, एक्सएल उसने डायरेक्टली दे दिया, लेट से 25 ओम है, एक्स सी अपने को भी डायरेक्टली दे दिया, लेट से 25 ओम है, और थोड़ा सा और भी चेंज कर सकता है, लेट से कि यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया, अमीटर है, एक डिवाइस और लगा रखी है लेट से इसके क्रॉस, ये वोल्ट मीटर वन है, देयर इज वन मोर डिवाइस लेट से वोल्ट मीटर टू है, ऊपर भी लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है, और ये जो सोर्स है इसके बारे में भी अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेट्स से सोर्स के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ है, ड्रॉ कर लीजिए फॉर द गिवन, सर्किट फाइंड, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं कई सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सिंपल रहेंगे, आप उनको आंसर करना है, पहला कैपेसिटेंस कि इस सर्किट में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसका कैपेसिटेंस कितना है ये बता दीजिए, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो तो, सभी लोग ट्राई करें, और आप जब जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, जितना फास्ट ट्राई करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल मिलेगा, बेनिफिट रहेगा आपके लिए, वन अपॉन 2500 पाई, ओके फैराड में आप बोल रहे होगे, जनरली कैपेसिटेंस हमारा छोटा होता है तो फैराड एक बड़ा यूनिट होता है, तो ऐसे नंबर ही आएंगे अगर आप फैराड में आंसर करोगे, चलते हैं, सो कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, हाँ वन अपॉन 2500 पाई आ रहा है, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे तो आपको यही आंसर मिलना चाहिए, कहाँ से प्रोसीड करना क्या करना है, आप आपके बहुत सिंपलर आइडियाज है, एक्स सी आपको पता है एक्स सी की वैल्यू 1/ω सी होती है, सो क्या यहाँ से हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा 1/ω एक्स सी, डू वी नो ओमेगा, यस इट्स 2π इंटू एफ, डू वी नो एक्स सी, यस इट्स 25 इन प्रॉपर यूनिट, F की वैल्यू अपने को पता है, F कितना दिया गया 50, तो आप 50 को जब इस पे प्लेस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे कैलकुलेशन में, तो ये 100 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके लिए 1/2500 पाई फैराड, जनरली हम लोग माइक्रो फैराड और समथिंग लाइक में देते हैं, तो अगर आपको माइक्रो फैराड पे देना है तो आप ऐसा भी दे सकते हो, माइक्रो फैराड के लिए आप चाहो तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 जीरोस चले जाएंगे, तो 400 कुछ आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई पाई माइक्रोफैराड, एनीवे आप ये भी आंसर देते हो, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है फैराड पर, अगर वो आपको आंसर किसी और फॉर्मेट में देता है तो अकॉर्डिंगली उसको चेंज करने का, सो पॉइंट इज कि हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लोग इंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, सेकेंड इज फाइंड इंडक्टेंस, सो नेक्स्ट पार्ट में अपने को इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है,
सो यहाँ पर अगर आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट कराना है तो ये एक्सएल की वैल्यू चाहिए, ओमेगा एल के बराबर हो जाएगी, और ओमेगा एल के बराबर जब आएगी तो यहाँ से हम एल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एल की वैल्यू हमारे लिए एक्सएल अपॉन ओमेगा हो जाएगी। अच्छा एक्सएल कितना है 25, ओमेगा कितना है 2π × f, f कितना है 50, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो यू विल फाइंड इट्स गोइंग टू बी 1/4π, यस हेनरी। इस तरह से हम लोग इंडक्टेंस ही पता कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगले क्वेश्चन में आपको बताना है रीडिंग ऑफ V2, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा, सेकेंड वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा। तो जब हम सेकेंड वोल्ट मीटर का रीडिंग पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या सिचुएशन है। यस आप लोग समझ पा रहे हो, हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दिए तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज मिसमैच करें अगर आप और डीपर जाओगे तो, क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन दे दिया, बट अगर जितना अपने को देख रहा है उसके बेसिस पर हम वर्क करेंगे तो क्या ये XL इज इक्वल टू XC वाली सिचुएशन है। तो आप बोलोगे सिंस XL इज इक्वल टू XC, इसका मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन है और ये रेजोनेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पाओगे कि इस पर जो V2 आएगा वो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप सेम करंट को ड्रॉ करोगे, आप बोलोगे यहाँ से आई करंट जा रहा है तो इसका एक साइड जाएगा, इसको एक साइड जाएगा, नलीफाई करेगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। एक बात मैंने अभी बोली कि यहाँ पर हमने वैल्यूज ज़्यादा दे दी है इसलिए हो सकता है वैल्यू कंसिस्टेंट ना हो, उसका मतलब क्या मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। अगर मैंने आपको ये 50 नहीं भी दिया होता तो ये जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी वो हम निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि हमको पता है रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में फ्रिक्वेंसी क्या आएगी 1/√LC आएगी और ये ओमेगा नॉट के अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, बेसिकली ये ओमेगा नॉट होती है। तो अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलेगा तो ये है, और जो फ्रिक्वेंसी मैंने दी है वो बेसिकली इससे कंसिस्टेंट देनी चाहिए थी, सिंस मैंने रैंडमली दे दिया है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछता है कि फ्रिक्वेंसी बताइए तो हम यहाँ से √LC से बता सकते थे, हमने एल और सी निकाला हुआ है, आप यहाँ से निकालोगे तो आपको एक अलग फ्रिक्वेंसी आ सकती है और जो दी गई है वो एक अलग फ्रिक्वेंसी हो सकती है क्योंकि वो रेंडमली दी है मैंने, तो ये इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। अदरवाइज अपने पास ये पता है कि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में हम ये फ्रिक्वेंसी को भी पता कर सकते हैं। एनीवे ये अपना रेजोनेंस में V2 का रीडिंग जीरो आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे पूछ सकता है कि रीडिंग ऑफ V1 की कितनी रीडिंग आएगी, बहुत इजी है, इनका रीडिंग जीरो हो गया, बाकी आपके पास क्या अच्छा है रजिस्टर सर्किट बचा हुआ है बता सकते हो, 240 रीड करेगा। ओके सो आप बोलोगे कि जो भी आपका EMF लगा हुआ है वही वो रीड करके बता देगा, गुड। तो कई बार क्या होता है अपने को कॉन्सेप्ट में पकड़ है ना तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें किरचॉफ्स लगाओगे तो दिस प्लस इन दोनों का इज इक्वल टू ये, इन दोनों का तो जीरो हो गया, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब V1 मस्ट बी हैविंग रीडिंग इज इक्वल टू द सोर्स, और सोर्स अपने को कितना दिया 240 वोल्ट, 240 वोल्ट का हमको रीडिंग मिल जाएगा, गुड। सो दे विल अपीयर वेरी सिंपल क्वेश्चंस वंस यू नो कि क्या चल रहा है। एंड देन रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर कितना रीड करेगा ये अपने को बताना है। सबको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में जेड कितना होता है, जेड की वैल्यू अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो कुछ ऐसे स्टार्ट करोगे R² + XL - XC का स्क्वायर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर XL XC बराबर होने की वजह से R हो गया, तो I कितना हो जाएगा, I द करेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V/R। नाउ सिंस ये भी RMS है, ये भी RMS है, बताना भी RMS है, तो फिर जो आएगा वही आंसर कर देंगे।
और दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली 240 डिवाइड बाई आर विच इज 30, दैट इज 8 एम्पियर. बस आपको ख्याल क्या रखना है, अगर उसने रीडिंग बोला है तो आपको आरएमएस में बता देने का, और अगर ऐसा बोल सकता है मैक्सिमम रीडिंग ऑफ ए, मैक्सिमम रीडिंग ऑफ ए, तो क्या मैक्सिमम रीडिंग ऑफ ए में भी हम लोग 8 आंसर देंगे, तो आपको समझ में आएगा नहीं. अब हमको पीक बताना है, और पीक आरएमएस से कैसे रिलेटेड होती है वो आपको पता होता है, तो फिर आप डायरेक्टली ये बताओगे तो फिर गलत हो जाएगा, उसमें हम रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अगर आपको आई नॉट पता करना था तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई रूट टू, दैट मीन्स 8 रूट 2. हाँ, तो वो लैंग्वेज पे अपने को केयरफुल रहना. क्या होता है ना कि हम लोग डीसी को सॉल्व करते रहते हैं, तो वो करंट बोलेगा तो करंट का मतलब करंट रहेगा, मैक्सिमम करंट बोलेगा तो फिर उसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा. और यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे होते हैं वो सब आरएमएस होता है, ये भी आरएमएस है, आई भी जो निकाला हमने वो भी आरएमएस है, और वी भी जो निकाला वो भी आरएमएस है. गुड. सो इस तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं, और आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, वो आपसे करंट पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, किसी एक पर, दोनों पर, वो आप बता दे जाओगे. अगर आपसे पूछता है कि एक्सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो आपने आई निकाल लिया है और इसको एक्सेल से मल्टीप्लाई कर दो, उसका पोटेंशियल पता चल जाएगा, इसका भी पोटेंशियल पता चल जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे इसलिए जीरो हो गया था. एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मिक्सड कॉम्बिनेशन जैसा कुछ चल रहा होगा, और मिक्सड कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं. एक बार अपने को मिक्स कॉम्बिनेशन का ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा. एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके नंबर्स प्रॉपर होंगे, कैलकुलेटेड होंगे, तो आपको आइडिया पे ज्यादा फोकस देना है, पर्पज ये है. तो मिक्स्ड एग्जांपल है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. लेट्स से कि अपने पास एक कैपेसिटर उसने लगाया हुआ है और एक रजिस्टर लगाया हुआ है, फिर एक इंडक्टर लगाया हुआ है और एक रजिस्टर लगाया हुआ है, और इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, और भी कुछ कॉम्बिनेशन कर सकता है. तो जब ये कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो आप बोलोगे ये आरसी सीरीज वाला है, आरएल पैरेलल वाला है, फिर दोनों सीरीज वाला है, फिर दोनों को पैरेलल किया गया है. सो आरसी और आरएल के सीरीज का पैरेलल बनाया गया, ऐसे मिक्स बोला जा सकता है. लेट्स से यहाँ पर अपने को कुछ ऐसा दिया गया, ये 240 वोल्ट का है और 50 हर्ट्ज का है, some sort of this. और let's say कि ये हमारे लिए R1 है, ये R2 है, और इसके लिए हमको XC directly दे रहा है और XL directly दे रहा है. अगर नहीं देगा तो XC और L देगा, तो वहां से हम लोग XL XC निकाल सकते हैं. let's say कि ये जो है ये 12 ohm का है और ये हमारे लिए 5 ohm का है. let's say ये हमारे लिए 6 ohm का है और ये 8 ओम का है, कुछ ऐसी सिचुएशंस बना रखी हैं. और आपसे पूछेगा, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो हम लोग से ऐसा बोलते हैं फाइंड, सिंपल क्वेश्चन, करंट थ्रू द सोर्स, सोर्स से कितना करंट चल रहा होगा ये अपने को पता करना है. सो लेट्स से करंट सोर्स से जो जा रहा है वो आई है, इसी आई को अपने को पता करना है. मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपने जो अभी तक लर्न किए हैं रूल्स कैसे अप्लाई करते हो, आप पैरेलली अगर आपको समझ में आ गया तो आप पैरेलली आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको ध्यान देना है. R1, R2, XL, XC की क्या वैल्यूज है वो हमारे लिए मैटर करेंगे, हालांकि कितना टफ या कितना ईजी बनने वाला है, बट आइडिया वही रहेगा. आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो करंट जाने वाली है लेट से वो I2 है, और इस वाली ब्रांच से जो करंट जाने वाली है लेट से वो I1 है. I1 फॉर दिस, I2 फॉर दिस, टोटल इज I. तो हम लोग पहले ये बोलेंगे कि I1, I2 जो होने वाले हैं वो किरचॉल्स के करंट लॉ से चलने वाले हैं. एक बार हम मान लेते हैं कि इस पे I1 जा रही है, तो इतना पोर्शन को हम लोग I1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम केवल I1 वाले पोर्शन की बात करें तो हम फेजर ड्रॉ करेंगे, तो I1 के लिए फेजर ड्रॉ करेंगे, एक फिर I2 के लिए करेंगे, फिर कंबाइंड के लिए करेंगे. सो लेट्स से कि आपका जो I1 का डायरेक्शन था वो ये था I1,
ओके, आपने कुछ आंसर ही बताया, दैट्स ग्रेट। सो अगर ये अपने पास आई वन का डायरेक्शन आ गया, तो आप देखो इस वाले पोर्शन को देखो, केवल इतने ब्रांच को, इस ब्रांच में जो आई वन जाएगा तो उसके लिए एक वीएल लगाना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि एल वाले केस में वोल्टेज लीड करते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए कि आपको इसके लिए एक वी एल इधर लगाना पड़ेगा और वी आर इधर लगाना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वी एल, दिस इज गोइंग टू बी वी आर, लाइक सीरीज केस हम लोग बात कर रहे हैं। और इन दोनों का वी एल और वी आर का जो रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग द इन रिजल्टेंट ईएमएफ और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ब्रांच। अच्छा ये बताओ कि इस ब्रांच के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल आएगा, क्या वो वी के बारे में बात कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, तो ये हमारे लिए वी हो गया। मेकिंग सेंस? फिर इसके लिए हम ऐसा बोलेंगे कि इस केस में अपने लिए ये जो रहा होगा, ये फेज डिफरेंस रहा होगा, ये फाइव वन रहा होगा। सो वोल्टेज विल लीड द करेंट बाई फाइव वन। इसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं, हमको वी भी पता है और वी आर वी एल के नंबर्स के बारे में भी पता हो जाएगा, और इसमें हम फाइव वन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले इतना एल आर वाला पोर्शन को हैंडल कर लेते हैं, फाइव वन को निकाल लेते हैं, निकालते हैं फाइव वन, क्या बनेगा? टेन फाइव वन इज गोइंग टू बी एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग वी एल डिवाइड बाई वी आर टू आर टू वाला केस है। एक काम करते हैं ना, आर वन आर टू का नाम बदल देते हैं, इसको हम आर वन बोल दे रहे हैं क्योंकि मैंने करंट इधर लिया है, बस इसलिए क्योंकि ये वन वन बोला जाए, ये टू टू बोला जाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो ये जो रहा होगा, इसको हम आर वन से बुला सकते हैं, तो ये अपने लिए बनेगा टेन फाइव वन इज वी एल डिवाइड बाई वी आर वन। अच्छा वी एल कितना होगा? आई वन एक्स एल। वी आर वन कितना होगा? आई वन आर वन। बेसिकली ये एक्स एल डिवाइड बाई आर वन आया। डू वी नो एक्स एल? यस। हाउ मच दैट इज? सिक्स। डू वी नो आर वन? दैट इज एट। हाउ मच दिस बिकम? थ्री बाई फोर। अगर ये थ्री बाई फोर है तो अपने को यहाँ से फाइव वन पता चल जाएगा। कितना आ गया फाइव वन? टेन इनवर्स थ्री बाई फोर। बाय द वे क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स चूज करेगा जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान रहेगी, और अदरवाइज आप मैथमेटिकली तो बोल सकते हैं कि आप निकाल पा रहे हैं। थ्री बाई फोर कितना होता है? थ्री बाई फोर टेन में आप देखते हो 37 डिग्री पे आता है, तो ये 37 डिग्री के बराबर हो गया। मोर ओवर अगर अपने को जेड निकालना होगा तो हम जेड भी निकाल लेंगे, एक फेजर हो गया। इसके बाद आते हैं दूसरे फेजर पर, और अब पोर्शन को किसको वॉच करेंगे? ये वाले को, आई टू वाले को। इन दोनों में सेम करंट जा रहा होगा, तो आर सी सर्किट को सीरीज पे देखने का। सो ये आप ड्रॉ करोगे कि हमारे लिए I2 है, सो लेट से हम I2 को इधर बना रहे हैं। अभी I1 I2 में कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया गया है, इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। फिर दोनों को मर्ज करेंगे, और एक बार मर्ज करना समझ गए तो फिर हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप बोलोगे अगर इसमें सेम करंट जा रहा होता है, सो यू विल फाइंड कि XC किधर जाता है, वी पोटेंशियल, पोटेंशियल इसमें लैग करता है, करंट लीड करता है, तो पोटेंशियल हमारा नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वी सी हो जाएगा। व्हाट अबाउट आर टू वाला पोटेंशियल? तो आप बोलोगे वो इधर आएगा, तो ये होगा वी आर टू। सो जिस डायरेक्शन में करंट, उस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल लैग करता है, आपको पता है। व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट? सो यू विल फाइंड कि रिजल्टेंट हमारा यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ये कौन सा रिजल्टेंट है? ये अगेन सिंस ये टोटल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये वी रहा होगा। अब देखो ये रेड कलर से भी यहाँ ड्रॉ किया गया, जो रेड कलर से भी ये ड्रॉ किया गया, वो दोनों सेम वेक्टर के या सेम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस क्वांटिटी को हमको पकड़ना है, उनको फिर दोनों को असेंबल कर लेंगे, एक साथ बना लेंगे, एक ही डायरेक्शन बनाएंगे। इस केस में आप पाओगे कि इसको फाइ टू बोला जा सकता है और करंट लीड कर रहा होगा। इस फाइ टू को भी निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप जब वर्क करोगे तो आपको मिलेगा टेन फाइ टू, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू वी सी डिवाइड बाई वी आर टू, सेम करंट
आई टू एक्स सी डिवाइड बाई आई टू आर टू। एक्स सी अपने को बताया गया 12 और ये बताया गया 5, 12 बाई 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हम फाइव टू निकाल सकते हैं, 10 फाइव टू, तो ये फाइव टू आ जाएगा अपने लिए 10 इनवर्स 12 बाई 5। समझता है? अगर आपको ये समझ में आता है तो आप पाओगे कि फाइव टू की वैल्यू बड़ी है, फाइव वन की वैल्यू छोटी है, क्योंकि ये 12 बाई 5 आ रहा है और ये 3 बाई 4th है। 10 बढ़ता है जब नंबर्स बढ़ते हैं। अब दोनों को कंबाइन कैसे करने का, उस पर ध्यान दीजिए। सिंस दोनों में वी हमारा सेम रहा है तो फाइनल फेजर आपको ये ड्रॉ करना है। एक बार मैंने डिटेल में बताया, उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली आप फाइनल को ड्रॉ कर सकते थे। चलते हैं, सो अगर हमारा ये V को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज V, क्योंकि V दोनों के लिए कॉमन था, तो इसका V और इसका V हम सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं। तो अगर इसको रोटेट कराएं तो V को हॉरिजॉन्टल किया जा सकता है, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो V को हॉरिजॉन्टल किया जा सकता है। I1 कहां पर है? I1 V के पीछे था, डाउन साइड था। कितने अमाउंट से था? 5-1 से था। सो दिस इज योर I1, दिस इज योर 5-1। मेकिंग सेंस? व्हाट अबाउट I2? V से आगे अहेड था I2 और phi2 से आगे था। सो यहाँ पर I2 है, दिस इज योर I2 एंड दिस इज अहेड बाय phi2। सो यूजिंग दिस एंड दिस टुगेदर वी कैन ड्रॉ दिस, और ये आपका फाइनल फेजर है। अब ये जो I1 और I2 का रिजल्टेंट है, वही I है। So, हम I1 और I2 का रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे। ये एंगल अपने को पता है, ये एंगल अपने को पता है, और इस एंगल की वैल्यू अगर आप जानते होगे तो न्यूमेरिकली भी अपने को पता चल जाएगा। क्या इन दोनों से हम रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे? इसके बाद अगर रिजल्टेंट अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने को I1 भी लगेगा और I2 भी लगेगा। अच्छा, I1 कितना लगेगा बताते हैं। इसी वाले केस में अगर हम लोग I1 निकालना चाहें, फर्स्ट वाले केस में, तो I1 कितना आएगा? केस की वैल्यू के लिए इसका जो इक्विवेलेंट हम लोगों ने आर एल का पढ़ रखा था Z के लिए, तो वो अपने को पता होगा। तो क्या इसकी वैल्यू V डिवाइड बाई Z1 आएगा? हम यहाँ पे पीक नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली आर एम एस लिख रहे हैं। तो V आर एम एस में हमको 240 दिया गया डिवाइड बाई Z1 का मतलब होगा अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये अपने को 240 कर रहा है और 10 स्क्वायर बन जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। सो I1 की वैल्यू अपने को पता चल गई, 24 आ रही है। क्या हम I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम I2 की वैल्यू निकालने में जाते हैं तो I2 को कैसे लिखते हैं कि V द सेम पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल यही था डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना था सीरीज में? आर टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सीरीज केस होता है आर सी का, हम जानते हैं। ये अपने को कितना पता है? 240। और ये कितना जा रहा है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो कुछ 13 जैसा आ जाएगा, तो 240 डिवाइड बाई 13 एम्पियर आ गया। सो अपने को I2 भी पता चल गया, I1 भी पता चल गया, phi1 भी पता चल गया, phi2 भी पता चल गया। तो क्या अल्टीमेटली हमको ये पता चल गया कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स क्या है, उनके बीच का एंगल क्या है? कैन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? तो हम I1 और I2 का पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। एक बार वो जो रिजल्टेंट आएगा उसका V के साथ क्या रिलेशन होगा, वो फाइनल हमारा आंसर बताने में हेल्पफुल होगा। सो फाइनली हम कुछ ऐसा क्लेम कर पाएंगे कि हमारा अगर V इधर गया तो I माइट बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फाइनल I। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, दिस एंगल्स। तो इसको हम फाइनली कुछ ऐसा कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हमारा पर्पज है ये फाई निकालना और ये आई निकालना। अब आप निकालोगे कि आई की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स आई वन आई टू कॉस फाई वन प्लस फाई टू। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज उतनी सुटेबल नहीं है क्योंकि फाई वन ऐसा है, फाई टू ऐसा है, और आप चाहो तो फिर इसको सॉल्व कर भी सकते हो। फाई वन प्लस फाई टू को आप ओपन करोगे, यहाँ से cos phi1 cos phi2 ये निकाला जा सकता है, sin phi1 sin phi2 भी निकाला जा सकता है।
उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आई की वैल्यू निकल के आएगी। फिर एंगल बताने के लिए आप आई टू से एंगल मेजर कर लो कितना दूर जाता है, तो वही हमारा फाई बन जाएगा। नाउ ये फाई ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो कौन सा लीड करेगा? अगर ये हमको क्लेम करना होगा तो उसके पहले हमको फाई को पता करना पड़ेगा। यस, बोल सकते हो आपके क्या कंसर्न्स है? I1 plus I2 equals to I होना चाहिए ना KCL के अकॉर्डिंग? हाँ, I1 plus I2 is equal to I होना चाहिए, that's what we are doing. I1 plus I2 must be equal to I, that means what? They must be added up with the proper values, that means instantaneous values, ना कि उनके magnitudes को add करेंगे, कि magnitude को add करेंगे तो फिर wrong हो जाएगा ना, क्योंकि ये I1 हो सकता है कि कोई दूसरा फेज लेकर के आ रहा होगा, ये कोई दूसरा फेज लेकर के आ रहा होगा, तो हम फेज के साथ उनको ऐड करेंगे, केवल नंबर्स नहीं ऐड करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि ये 24 आया और ये नंबर आपने मान लो निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड अप कर दिया और उसको आंसर क्लेम किया, तो वो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज आपने आई1 और आई2 की आरएमएस वैल्यूज को ऐड किया है। हम RMS की वैल्यूज को ऐड करके RMS रिजल्टेड नहीं निकाल पाते हैं, हम उसको इंस्टेंटेनियस में ले जाते हैं और उस मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए उनको फेजर में ले जाते हैं, फेजर में वेक्टर की तरह ट्रीट करके फिर रिजल्टेड निकालते हैं। सो किरचॉफ इक्वेशन क्या लगी हमारे पास? I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और जो हम लोगों ने पैरेलल में लास्ट क्लास में देखी थी उसके लिए हम आई वन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले से आपने आई वन वेक्टर को पकड़ा वी के रिस्पेक्ट में, फिर I2 वेक्टर निकालेंगे, I2 वेक्टर के लिए आपने सेकंड फेजर निकाला V के रिस्पेक्ट में, I2 को समझा, फिर V कॉमन पड़ गया दोनों का, उस V को कॉमन में ड्रॉ किया, I1 को ड्रॉ किया, I2 को ड्रॉ किया, फिर इनके बीच का एंगल पता किया। अब देखो कि लॉजिकली मैच करेगा कि हम इसके एंगल को पता करेंगे, इसके बाद हमको रिजल्टेंट आई मिलेगा। अब रिजल्टेंट वी मिल गया, वी और रिजल्टेंट आई को मिला करके हम बता सकते हैं फाई क्या। क्वेश्चन हो सकता है आपसे सिंपल ही पूछ लेता है कि बताइए कैपेसिटर से कितना करंट जा रहा है, तो केवल I2 बताना था, तो I2 जी अपना आंसर आ जाएगा। इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, तो अपना I1 आंसर हो जाएगा। सिंस मैंने थोड़ा सा टफ पूछा था क्योंकि पूरा प्रोसेस बताना था आपको, तो I पूछेगा तो फिर हम इन दोनों को केवल ऐसा नहीं लिखेंगे, दिस विल बी रॉन्ग, ये भी नोट कर लेना कि ये गलत है और ये सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अपने आंसर तक जा सकते हो। एग्जाम में क्या करेगा वो, फाइव वन कुछ अच्छा नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ फाइव वन 37 आया था, फाइव टू भी कोई अच्छा नंबर आ जाएगा। लेट से कि फाइव वन हमारा 30 आया होता और फाइव टू हमारा 60 आया होता, तो 30 60 मिलकर कितना हो जाता, 90 हो जाता। तो फिर आई को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर, डन। और इस फाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि यहाँ से एंगल बनाना था तो 10 आई वन 10 फाइव इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू, तो अपने को फाइव पता चल जाता। अगर ये वैल्यू फाइव की वैल्यू फाइव वन से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट हमारा इधर कहीं है, फाइव टू से बड़ी आ रही है तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं है। आपको ब्रॉड वे पे ट्रीट करना होता है, कॉपी कर सकते हो और सॉल्विंग को तो आप छोड़ सकते हो, बट समझ लो कि किस तरह से करना होता है। एक फेजर, दो फेजर, कंबाइंड फेजर, हाउ वी आर कंबाइनिंग द फेजर्स, और फिर किस तरह से हम अपने आंसर तक जा रहे हैं। कहीं भी किरचॉफ्स की इक्वेशंस में आपको नंबर्स को ऐड नहीं करना है, उनको पहले फेजर पे ले जाना है, फेजर ड्रॉ करना है, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना है। लूज सेंस में आप ऐसा बोल सकते हैं, हम वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर को हम रिजल्टेंट बनाएंगे। ओके सर, यहाँ पे हमें 240 रूट टू लेना पड़ेगा, नहीं तो आरएमएस है। 240 ये सब आरएमएस है, ये आपको दिया गया वो आरएमएस है, तो हम लोग करंट भी आरएमएस ही निकाल रहे हैं। तुम्हारा I1 कौन सा करंट है, RMS करंट है, और I2 कौन सा है, RMS करंट, इसलिए हम वोल्टेज कौन सा यूज कर रहे हैं, RMS यूज कर रहे हैं। अगर हमको पीक निकालना होता है तो हम V0 यूज करते हैं, I0 यूज करते हैं। और आपसे पूछा क्या करंट पूछा है, इसको लोग कौन सी वैल्यू पूछी, RMS वैल्यू है, तो हम सारा कुछ RMS में वर्क कर सकते हैं, चलता है। तो जब AC में हम लोग जो नंबर यूज कर रहे थे सारा RMS में चल रहा होता है, लेकिन RMS में फिर ये इक्वेशन नहीं चल रही होती है। That means I1 plus I2 is not equal to I in terms of RMS values. This must be in terms of time. Time के function के साथ sin cos आना चाहिए, और उसी sin cos को आप किस में convert कर लेते हो, SHM की equation होती है, तो जहाँ भी sin cos आता है तो उसको आप phasor से draw कर देते हो और उनका peak value ले लेते हो amplitude.
हाँ वहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड लेते हैं, आप चाहो तो सबको एम्पलीट्यूड से दिखा सकते हो। फिर आप जानते हो कि एम्पलीट्यूड और आरएमएस में रूट टू का फैक्टर होता है और वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी चल रहा होता है, तो रूट टू दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। आई गेट माय पॉइंट। सो अगर आरएमएस दिया गया तो सर आप आरएमएस ले सकते हो और आरएमएस के टर्म में वर्क कर सकते हो, बट डोंट यूज दीज इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज, वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। ऐसा एडवांस में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जनरली वो एडवांस में ही देगा, अगर मेंस में देगा तो वो टफ चला जाएगा। एक बार शायद उसने मेंस में कुछ दिया भी था सिमिलर टाइप का। तो जब अगर वेरियस कॉम्बिनेशन हो तो पहले आप देखो अगर क्या दोनों सीरीज पर हैं, सीरीज के रूल लगा लो, फिर उसके सीरीज के रूल लगा लो, फिर पैरेलल के रूल लगा दो, और जो कॉमन हो क्वांटिटीज दोनों में उसको फिर सेम रेफरेंस पे लेकर के आओ। ये ब्रॉडर वे है। मॉड्यूल में या फिर आपके बुक्स में क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई करोगे, और डिस्कशन के टाइम पर आप पूछ लो, एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग ट्राई कर लेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के, तो आपको प्रैक्टिस का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आइडिया यहाँ से आपको समझने का। कंसर्न आ रहा हो तो जरूर पूछें आप कौन सा स्टेप बताना, और अगर आपको जम गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 43.8 एम्पियर आ रहे हैं। हाँ वो नंबर्स उसी के आसपास जाएगा क्योंकि डिफरेंस मे नॉट बी बिग, बट कौन सा एग्जैक्टली होगा वो कैलकुलेशन से निकलेगा। तो एक आंसर 43.8 बताया गया, बाकी लोग भी घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। इट्स सॉल्वेबल, इट्स नॉट टोटली नॉट सॉल्वेबल, बट एग्जाम में वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वैल्यूज देगा सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन उतनी हार्ड ना रहे। दैट्स ऑल। सो आपका मोर फोकस मस्ट बी ऑन आइडियाज। आगे बढ़ सकते हैं और पावर के बारे में बात कर सकते हैं कि पावर कंजम्पशन कितना होता है, पावर ऑफ एसी सोर्स। बहुत सारे क्वेश्चन पावर पे रहते हैं। किसी सोर्स से कितना पावर डिलीवर हो रहा है या फिर किसी एलिमेंट से कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो उसको हम लोग पावर से समझेंगे। तो अभी हम लोग ने हेडिंग डाला है सोर्स के बारे में कि सोर्स से कितना पावर जा रहा होगा, और अगर एसी सोर्स है देन वी नो कि एसी सोर्स को हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स से कि ये एसी सोर्स है और इसको आपने किसी सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, ये सर्किट में सीरीज पैरेलल और किसी भी कॉम्बिनेशन में एक सर्किट बना होगा। You have applied, let's say potential V is equal to V naught sine omega t. Then you'll find it will have a current, and the current that you are going to get it is going to be equal to I naught sine omega t plus phi. Since last 3-4 lectures से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये वोल्टेज दिया होता है तो ये करंट चल रहा होता है, फिर हम लोगों ने ये समझा कि आई नॉट कैसे निकालते हैं, फाई कैसे निकालते हैं। आई नॉट के लिए वी नॉट बाई जेड लिखते हैं, फाई के लिए फेजर डायग्राम से एंगल पता कर लेते हैं आई और वी के बीच में। अगर ये हमारा सोर्स है उसका इंस्टेंटेनस पोटेंशियल ये है, इंस्टेंटेनस ये करंट जा रहा है, तो हम जानते हैं पावर किसी भी इंस्टेंट पर कितने होंगे, क्योंकि कोई अगर बैटरी है, अगर बैटरी का ईएमएफ पता है, वोल्टेज पता है, और उसका करंट कितना सप्लायर है वो भी पता है, तो हम जानते हैं कि वो कितना पावर डिलीवर करता है, V into I। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय एनी सोर्स एट द इंस्टेंट, अगर उसका इंस्टेंट पे वोल्टेज V है, करंट I है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये T के फंक्शन है, तो किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाई सोर्स प्रोड्यूस बाई सोर्स एसी सोर्स इज गोइंग टू बी, लेट्स उसको पी लिखते हैं, पी फॉर पावर, और जब हम कभी पी लिखेंगे इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर होगी, तब बोलोगे उस इंस्टेंट पर जो वी था उस इंस्टेंट पर जो आई था दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो बीच में डॉट लगाया है, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि वी और आई प्रॉपर वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन सिंपली हमने उसको रिजल्टेंट को निकालने के लिए यूज किया है, तो ये वी आई जैसा हो जाएगा। सिंपलीफाई करते हैं, तो जब सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
अब अगर आपको वी नॉट वी पता था और आई आपने निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जिस इंस्टेंट पर चाहिए उस इंस्टेंट की वैल्यू रख दो, अपने को आंसर आ जाएगा 5 वगैरह रखने के बाद। फिर आप देखोगे ऐसी कैलकुलेशन तो टफ होती है, हर इंस्टेंट की बात करेगा। सोर्स का अगर पावर की हम बात करते हैं तो जनरली कुछ एवरेज वैल्यूज जैसी बताना स्टार्ट करते हैं जब कोई इंस्टेंटेनियस आता है। तो पॉइंट इज की इंस्टेंटेनियस से ज्यादा आपसे क्या पूछेगा, एवरेज वैल्यू के बारे में पूछेगा। तो हमको इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि इंस्टेंटेनियस इज बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये आपकी पी एवरेज पी इंस्टेंटेनियस है। आप चाहो तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फैशन में लिख सकते हो। अगर हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाइड फैशन में लिखेंगे तो शायद अपने लिए आसानी रहेगी। तो क्या इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाफ वी नॉट आई नॉट विद इन द ब्रैकेट टू टाइम्स साइन समथिंग इनटू साइन अदर थिंग। फिर आपको कुछ याद आएगा मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें हम टू साइन ए कॉस साइन ए साइन बी को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाना पड़ेगा। तो लेट से इतने में फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, टू साइन ए साइन बी दिस गेट्स कन्वर्टेड इंटू व्हाट, कॉस, आप जानते हो कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। तो माइनस होता है ये कॉस ए माइनस बी, तो इसमें प्लस आएगा, फिर एक माइनस लगाना चाहिए अपने को कॉस ए प्लस बी। चेक कर लीजिए क्या ये अपने को ए डिलीवर करने वाले हैं, अगर ये डिलीवर करने वाला है तो इसको यूज कर लेंगे, अगर कुछ चेंज होगा तो उस पर आप चेंज करा सकते हो। सो पॉइंट इज कि हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी कुछ ऐसा बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस क्या करेगा कॉस ए कॉस बी को कैंसिल कर देगा, टू टाइम्स साइन ए साइन बी बचाएगा। एज्यूमिंग कि ये प्रॉपर जा रहा है और तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आएगा हाफ वी नॉट आई नॉट एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इन टू वॉट, कॉस ए माइनस बी दिस माइनस दिस। अब इसको पहले भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेसिकली दिस माइनस दिस, वैसे भी कॉस का माइनस अंदर बाहर नहीं आता है, तो इसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो कॉस फाइव लिख सकते हैं, माइनस दिस प्लस दिस, जब इसको दिस प्लस दिस करोगे तो ये बन जाएगा कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इंस्टेंटेनियस पावर को आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मैं इस पर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप याद रख सकें। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है जिसको याद रखने से बेटर कि हम ये याद रखें वी आई होता है और वी अपने को पता है आई पता है, तो किसी भी टाइम पर उनको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ये हम लोगों ने इस फॉर्मेट में इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ से हमको एवरेज निकालना आसान होगा। तो अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहें ओवर वन टाइम पीरियड, एवरेज पावर, और ये कितना है ओवर वन टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड में कितना जा रहा है, फिर वही साइकिल रिपीट होती है, तो दो टाइम पीरियड का पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो एंड टाइम पीरियड का पता चल जाएगा। तो अगर हमको पी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो पी एवरेज के लिए अपने को लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू से एवरेज वैल्यू जाने के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला है पी डी टी जीरो से टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी। मैं डायरेक्टली आंसर भी बता सकता था लेकिन मैंने क्या किया कि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और आप भी एक दो बार कर लोगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और एवरेज के लिए जो फॉर्मूला है, कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता हो एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग यही काम करते हैं। बेसिकली इसको हमको इंटीग्रेट करना है एक टाइम साइकिल के लिए और एक कंप्लीट साइकिल के लिए एक टाइम पीरियड के लिए, उससे जो आंसर आएगा वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो जब भी हम किसी एसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इनफैक्ट जितने भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मोस्ट ऑफ देम दे वर्क इन एसी, अपना मोबाइल चार्ज कर, मोबाइल का फंक्शनिंग हो या ये जो भी है लैपटॉप डिवाइस, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दे आर बेस्ड ऑन एसीज। सो पॉइंट इज की अगर हम के पावर के बारे में बात करते हैं तो हम एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसको ड्राइव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करते हैं इंटीग्रेट।
सो कैरी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. पी एवरेज, ये जो पी एवरेज है दैट इज इंटीग्रेशन जीरो से टी है. पी, पी की वैल्यू अपने पास क्या आई है, वी नॉट आई नॉट बाई टू. अभी हम लोगों ने कुछ सिंप्लीफाई किया था तो ये बना था कॉस फाइव माइनस ऑफ कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव. इसको डी टी करना है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन जीरो से टी डी टी करना है. डिनोमिनेटर इज क्वाइट इजी, न्यूमरेटर इज आल्सो नॉट सो डिफिकल्ट. तो जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तब बोलोगे कि वी नॉट टी नॉट बाई वी नॉट आई नॉट बाई टू, तो जो हमारे पास है वो तो कॉन्स्टेंट है, कॉमन भी लिया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है. और अपसाइड इंटीग्रेशन में अपने को मिलेगा जीरो टू टी, अगर हम ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो ये आएगा कॉस फाई डी टी माइनस जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाई डी टी डिवाइड बाई डाउन साइड का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा. ना जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है क्वाइट ईजी है क्योंकि कॉस फाई फाई तो कॉन्स्टेंट है. अगर आपने ये सर्किट यूज किया है तो इसमें जो फाई आता है वो फेज डिफरेंस आता है और फाई कॉन्स्टेंट रहता है. फाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाई इज अ कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, दिस आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो फाई तो कॉन्स्टेंट है तो ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अपने पास कुछ ऐसा आ जा रहा है वी नॉट आई नॉट बाई ट्वाइस टी विद इन द ब्रैकेट वी आर गोइंग टू गेट इट एज अ कॉस फाई और इसका इंटीग्रेशन टी बन जाएगा माइनस. इस इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं. आप तो चाहो तो इसकी वैल्यू को रख करके इंटीग्रेट कर लो या फिर कॉमन सेंस से बोलो, आप जानते हो साइन और कॉस कुछ भी हो एक कंप्लीट साइकिल में वो जीरो हो जाता है, कंप्लीट साइकिल में. अब हमको देखना है कि क्या जीरो से टी में कंप्लीट साइकिल बन रही है. अब बोलोगे यस क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है. जब ओमेगा फ्रिक्वेंसी होती है तो यही टाइम पीरियड होता है, जब टू ओमेगा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी तो इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया. इसका मतलब जीरो से टी टाइम पर ये दो साइकिल बना रहा होगा कंप्लीट, दो बार अप दो बार डाउन. तो आप दो कंप्लीट साइकिल बनाओ या एन कंप्लीट साइकिल बनाओ ये आंसर जीरो होता है. और दूसरा तरीका क्या, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये साइन में चला जाएगा, फिर वैल्यूज रख दो तो अपना आंसर जीरो आ जाएगा. तो पॉइंट इसकी है जीरो आ जाएगा. आप इसको घर पे क्रॉस चेक कर सकते हो, ये जीरो आना चाहिए. जैसे आप उसको जीरो बोलोगे तो आप देखोगे टी से टी डिसअपीयर हो गया. तो इसका मतलब हमारे टाइम पीरियड पर भी डिपेंड नहीं करता हमारा जो आंसर है. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई आ रहा है. ये पी एवरेज का फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. जब कभी आपसे कोई पी एवरेज बोलता है कि पावर बताइए, एवरेज पावर बताइए, तो पावर एवरेज को हम लोग लिखेंगे वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई. तो केवल वी नॉट आई नॉट लिखने से पावर नहीं आएगी बल्कि हाफ से डिवाइड मतलब हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और फेज डिफरेंस भी मैटर करेगा. इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि पीक वैल्यूज को से ज्यादा हमको आर एम एस वैल्यूज यूज करना पसंद है क्योंकि उसके टर्म में लिखते हैं. तो आप चाहते इसको लिख सकते हो वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव. सो रूट टू वन था, ये आर एम एस हो जाएगा, ये भी आर एम एस हो जाएगा. सो पी एवरेज, एवरेज पावर का जो पॉपुलर फॉर्मूला है दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव. तो यहाँ पर देखो आपने एक दिन क्वेश्चन में पूछा था कि क्या हम हर जगह वी को वी आर एम एस, आई को आर एम एस से लेकर के डी सी और ए सी को रिलेट कर सकते हैं. हर जगह नहीं कर सकते हो, अगर रिलेट कर पाते तो हमारा पावर एवरेज क्या आता है, वी इंटू आई आता, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हो उसके साथ कुछ और भी आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस फाई आ रहा है. सो यस हम वी आर एम एस लिखते हैं, आई आर एम एस लिखते हैं और एक नया फैक्टर भी साथ में लगाते हैं जिसको कॉस फाई बोलते हैं. ये जो कॉस फाई है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. तो इसमें ये जो कॉस फाई है ना दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर. इसका मतलब आप डीसी से अगर कंपेयर कराओगे ना तो एग्जैक्टली वैसे ही रहता है आई आर एम एस वी आर एम एस टाइप का आई वी, लेकिन एक फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है एक्स्ट्रा. सो दिस इज एक्स्ट्रा कमिंग इन एज कम्पेयर टू डी सी, इसलिए उसका उसको हम लोग अलग से हाईलाइट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड पावर फैक्टर. और बहुत सारे एग्जाम में वो आपसे पूछेगा सर्किट देकर के बताइए पावर फैक्टर कितना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा. और एक बार फाई निकल करके आ गया तो कॉस फाई बता करके हम लोग पावर फैक्टर के बारे में बात कर सकते हैं.
करके कॉपी कर लीजिए और इस फॉर्मूला को याद रखना है, VRMS IRMS cos phi, ये अपने को बताएगा। सो किसी भी एसी सोर्स का पावर हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आते हैं। चलेगा अगर आपने कॉपी कर लिया तो। अल्टीमेटली अपने को ये पता चला कि जो पी एवरेज है दैट इज वीआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस फाइ के नाम से ये एक्सप्रेशन से दिया जाता है। कुछ और भी बातें कर सकते हैं, इज वीआरएमएस आईआरएमएस इज कॉल्ड एपरेंट फैक्टर, एज सच कोई पॉपुलर टर्म तो नहीं है। सो इसको अपरेंट बोलना तो थोड़ा सा ठीक है, लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कर भी लेते हो, क्योंकि अपरेंट फैक्टर और पावर फैक्टर को मिला करके टोटल पावर बन जा रहा है। टर्मनोलॉजी वाइज थोड़ा सा फीजिबल लग रहा है, बट ऐसा कोई पॉपुलर टर्म नहीं है अपने पास कि ये अपरेंट फैक्टर है। और अगर बोलेगा तो फिर अगर एग्जाम में बोलेगा कि अपरेंट फैक्टर बताइए तो वो लिखेगा ब्रैकेट में कि किसके बारे में बात कर रहा है। उतना पॉपुलरली एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। यस कॉस ये जो पावर फैक्टर है ये ज़्यादा पॉपुलरली एक्सेप्टेड है, तो इसको आपको याद रखना है। और जिस तरह से वर्डिंग है उस वर्डिंग के हिसाब से लगता है कि ये अपरेंट होगा। अपरेंट मतलब डीसी के जैसा अपरेंट लग रहा है, डीसी के जैसा ये अपरेंट लगता है और ये पावर फैक्टर है, तो दोनों को इस तरह से बोला गया होगा या किसी टेक्स्ट बुक में बोला होगा आपको, बट एग्जाम में वो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, आपको जरूर बताएगा। और अगर आपने पढ़ा है कहीं पर तो फिर आप उसको दिमाग में रख सकते हो, बट एग्जाम में डेफिनेटली वो आपको क्या बोलेगा, एक्सप्लेन करके देगा कि उसका मतलब क्या है। एनीवे ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। अच्छा ये कहाँ पर निकला है, अगर उसको हम बनाएं तो कुछ ऐसा हमारे पास एक एसी सर्किट रहा होगा। अब इस सर्किट में क्या है वो सर्किट डिसाइड करेगा या क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा होगा। और ये हमारा वी था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम लोगों ने इस पे आई पता किया, आई केम आउट टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अपने को पता चला कि पावर प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज ये जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से फेजर बना रहे होंगे कि ये V का फेजर है तो ये V है तो ये I है, लेट्स से V है ये I है, RMS वैल्यूज में ये इसका phi है। नाउ सिंस इनको हम लोग ऐसे वेक्टर ट्रीट ही कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये I का एक कंपोनेंट इधर कर सकते हैं और I का एक कंपोनेंट इधर कर सकते हैं। तो ये V का मतलब वी आर एम एस है, ये I का मतलब आई आर एम एस है, तो सिंस अगर उसको हम हाईलाइट करें तो उसको आर एम एस लिख सकते हैं, इसको भी हम आर एम एस लिख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना ये कौन सा है, ये आई आर एम एस, आई आर एम एस ये सबस्क्रिप्ट में है, कॉस फाई के बराबर है। और ये जो कंपोनेंट है ये आई आर एम एस साइन फाई के बराबर है। अब देखोगे जो आपने इनिशियली वेक्टर लर्न किया था ना वो कितना यूजफुल है, यहाँ पर स्केलर्स में भी हम लोग वेक्टर्स लगा करके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये तीनों मिल ये दोनों फैक्टर मिलकर के हमको एवरेज पावर दे देते हैं। दैट मींस आई का वो कंपोनेंट जो पोटेंशियल के साथ सेम फेज पर होता है, सेम फेज पर होता है, वो अपने को पावर डिलीवरी देता है। और आई का वो फैक्टर या कंपोनेंट जो उसके 90 डिग्री फेज पर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो वो एवरेज पावर की कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, कोई रोल प्ले नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर ये आपका करंट चल रहा है तो आई कॉस थीटा वो करंट होगी जो पावर डिलीवर कर रही होगी, और ये जो कंपोनेंट होगा ये पावर डिलीवर ही नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर सर्किट में ये करंट जा रही है तो इस करंट की वजह से कोई पावर नहीं आ रहा है, सर्किट
में कोई पावर डिलीवरी नहीं हो रही है या कंजम्पशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस करेंट इज पावरलेस. पावरलेस बोलना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, इसलिए इसको वैटलेस बोलते हैं. तो कई बार आपसे पूछता है कि वैटलेस करेंट क्या होती है, तो वैटलेस करेंट मीन्स अ करेंट दैट डजंट प्रोड्यूस एनी पावर. सो आप पाओगे कि ये जो आई आर एम एस साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड एज वैटलेस करेंट. और अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो टोटल करंट वैटलेस हो जाएगी. अभी क्या ये वैटलेस करंट कंपोनेंट है, दैट मींस करंट का वो कंपोनेंट है जिसमें पावर नहीं जा रही है. तो इसको अगर प्रॉपर्ली लिखना चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं, वैटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट. आपको पता है कि करंट एक स्केलर होती है, फिर भी हम लोग कंपोनेंट जैसी बातें कर रहे हैं. वो इसलिए समझने के लिए क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्शन देकर के वेक्टर जैसा ट्रीट करें तो जो 90 डिग्री फेस पर जाएगी वो करंट जो है कोई पावर प्रोडक्शन नहीं कर रही होती है. कई बार बोलते हैं कि सर्किट में करंट वैटलेस जा रही है, तो अगर टोटल करंट वैटलेस हुआ इसका मतलब क्या हुआ, फाई कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो वो दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं. तो एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया. एक और पॉइंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द करेंट इन द सर्किट, तो आपके पास जो इंटायर करेंट होगी वो कोई पावर नहीं दे रही होगी. करेंट इन द सर्किट इज known as wattless current. ये DC से एकदम अलग स्टोरी है. DC में अगर करंट चल रहा है तो पावर प्रोडक्शन या कंजम्पशन होना गारंटीड है. दैट मीन्स अगर पावर प्रोडक्शन या कंजम्पशन हमारा जीरो है, इसका मतलब करंट मस्ट बी जीरो. जबकि AC में ऐसा नहीं होता है. AC में ऐसा हो सकता है कि करंट चल रहा हो लेकिन पावर का प्रोडक्शन ना हो रहा हो. सो विदाउट पावर इन्वॉल्वमेंट करंट कैन रन इन एसी सर्किट, दैट मींस करंट कैन बी पावरलेस और वेटलेस इन एसी सोर्सेस बट नॉट इन केस ऑफ डीसी सोर्सेस. तो ये वेटलेस करंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसका कंपोनेंट कौन सा होता है वो समझ में आया. वो काइंड ऑफ की सेम फेस पे, तो इसका मतलब जितना भी करंट वोल्टेज है और उसी फेस पे जितना भी करंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने को पावर पता चल जाएगा, एवरेज पावर. और जो 90 वाला कंपोनेंट है उसको हटा सकते हो. यस, कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ है बट कॉन्सेप्चुअली हम उसको डॉट प्रोडक्ट नहीं कहते हैं क्योंकि ये दीज आर नॉट द वेक्टर्स, बट काइंड ऑफ की आइडिया वही है. तो जो बेसिक ओरिजिन है, जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया था वेक्टर्स के लिए, सिमिलर टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चल रहा है. सो ये टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं. आप कॉपी कर सकते हो और कोई पॉइंट रेज करना है तो रेज कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग इक्वेशन करेंगे इस पर न्यूमेरिकल एंड देन आफ्टर आगे की स्टोरी को चेक करेंगे. सर वो जीरो पावर मतलब एक बार एक्सप्लेन करना कि कैसे प्रोड्यूस होगा जीरो पावर, लाइक वैल्यूज लेके या फिर कुछ. ठीक है, देखो क्या हो रहा है ना कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारे पास एक रिजल्ट आया. हम लोग इस रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं. इस रिजल्ट में आरएमएस लग वी की वैल्यू लग रही है, यस लग रही है. आई की वैल्यू इन्वॉल्व्ड है, यस इन्वॉल्व्ड है. लेकिन साथ साथ एक फैक्टर भी इन्वॉल्व्ड है, पावर फैक्टर. और ये फेस पर डिपेंड करेगा, कॉस फाई है. अच्छा, हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किट में वी दिया होता है, सॉल्व करके आई पता कर लेते हैं, फिर दोनों हमको अगर दिए होते हैं तो दोनों को कंपेयर करके हम बता देते हैं कितना फेज डिफरेंस चल रहा है. हम लोगों ने सर्किट सॉल्व करने के टाइम पे ये भी देखा, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिस केस में ये फाई की वैल्यू जीरो आती है, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें ये फाई की वैल्यू 90 भी होती है, कुछ और भी होती है. तो मतलब ये फाई जीरो से 90 या कुछ और नंबर भी ले सकता है. तो इसका मतलब है कि ये जो कॉस फाई है, ये कॉस फाई हमारा जीरो भी हो सकता है. कब, जब फाई 90 हो जाए. अब सोचो अगर कॉस फाई हमारा जीरो हो गया पावर फैक्टर, तो आरएमएस कितना भी चल क्यों ना रहा हो, आई कितना भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हमारा आंसर तो जीरो हो जाएगा. मतलब ये हुआ कि अगर
हमारा सर्किट कुछ ऐसा है जिसमें फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री आ गया, तो पावर ही हमारा एवरेज पावर जीरो हो गया। अब ये मैथ्स ने बताया है, अपने इक्वेशंस को हमने इक्वेशन को सॉल्व करके आइडेंटिफाई किया है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? फिर वो हम लोगों ने करने की कोशिश की कि अगर इसमें करंट अपना चल रहा है, तो ये जो करंट क्या होता है वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज के साथ किस फेज पर है, क्या वो सेम फेज पर है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पर है। तो लेट से कि वो 5 फेज पर था, तो हमारे लिए ये फेजर बना था। अब इस फेजर में ये जो करंट है, अगर करंट का हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं वोल्टेज की तरफ, तो हम जानते हैं प्रोजेक्शन कॉस थीटा लेकर के आता है और कॉस फाई लेकर के आएगा, और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमको पता चला यही तो हमारे एवरेज पावर का फॉर्मूला है। इसके बाद हमने इंटरप्रेट किया, क्या इंटरप्रेट किया कि अगर हमको पावर एवरेज कैलकुलेट करनी है तो पावर में पार्टिसिपेशन किसका होता है? उस करंट का होता है या करंट के उस कंपोनेंट का होता है जो कंपोनेंट अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन में रहता है। तो अगर इसको हम कंपोनेंट जैसा बोल रहे हैं तो फिर एक दूसरा कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। दैट मीन्स करंट का एक ऐसा भी कंपोनेंट होता है जो पावर के प्रोडक्शन में, एवरेज पावर के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर ही नहीं रहा होता है, रोल ही नहीं प्ले कर रहा होता है। इस काइंड ऑफ कि एक वेक्टर कम इधर है तो उसका दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पे जाता ही नहीं है। तो या फिर ऐसा बोल लो कि करंट का वो प्रोजेक्शन चाहिए होता हमने को वोल्टेज पर। सो ये जो दूसरा करंट था इसको हमने क्या नाम दिया कि ये एक ऐसा करंट है जिसकी वजह से पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये जीरो पावर के करस्पॉन्डिंग जाएगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर इन्वॉल्व आएगी वो जीरो आएगी। जीरो पावर का मतलब जीरो वैट, जीरो वैट का मतलब वैटलेस। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वैटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। सपोज कर लीजिए अगर हमारा फाई ही 90 डिग्री रहा होता तो हमारा करंट ही इधर गया होता, तो उस केस में आप पाओगे कि सर्किट में करंट तो चल रहा होगा लेकिन करंट में पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा? जीरो। कंज्यूम कितना हो रहा होगा? जीरो। अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना चाहो तो मैं आपको बताता, आपने भी सर्किट्स देखे हैं RC, RL और ये सारे सर्किट्स देखे, RLC वगैरह। अगर उसमें हम बेसिक एक सर्किट को एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि सी सर्किट वाला लेते हैं जो केवल सी के साथ पढ़ाता है, और आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे, लेट से कि हमारे पास ये सर्किट था और आपने देखा था कि ये XC है और ये अपना वोल्टेज है, तो क्या इसमें कोई करंट रन कर रहा था? यू फाइंड कि यस, इस पे करंट रन कर रहा है। आपने इसके करंट का एक्सप्रेशन भी निकाला हुआ है। क्या आपने निकाला था इसमें करंट और वोल्टेज के बीच का फाई कितना था? तो आपने निकाला था पाई बाई टू, 90 डिग्री था। तो क्या उसी केस से रिजेंबल करता हुआ ये एग्जांपल है जिसमें हमारा करंट भी रन कर रहा है, वोल्टेज भी अप्लाइड है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई टू है। करंट के अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे पास था कौन सा? इंडक्टर। तो इंडक्टर लो या फिर कैपेसिटर लो तो आप पाओगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो पाई बाई टू रहता है। अब कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो मैटर नहीं करेगा अगर 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस प्लस 90 डिग्री और कॉस माइनस 90 डिग्री दोनों में पावर जीरो हो जाता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या इस केस में कोई पावर का प्रोडक्शन या कंजम्पशन चल रहा है, तो आप बोलते हो कि इस केस में नट सेल में कोई पावर प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर वेस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पावर हमारा वेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और कैपेसिटर इंडक्टर कैसे डिवाइसेस हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स को यूज कर रहे होते हैं। तो सिंस ये कंजर्वेटिव फील्ड्स को यूज कर रहे होते हैं तो इस केस में कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा नट सेल? अब बोलोगे जीरो, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, कोई भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब इस पे आप पाओगे कि करंट तो रन कर रहा है लेकिन पावर कितना जा रहा है? जीरो जा रहा है। तो ये इसमें जो करंट आएगी, इस करंट का नाम देंगे दैट इज वैटलेस करंट। हाउएवर अगर इसमें आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, जैसे आपने रेजिस्टेंस लगाया तो फिर फाई RC सर्किट बन गया। RC सर्किट में फाई की वैल्यू आप जानते हो कि वो 90 से कम हो जाती है, XC/R होती है, tan phi equal to, इसको मतलब अब पावर वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सोर्स को पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस पावर वेस्ट कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए। तो फिर ये जो करंट आएगी फिर ये वैटलेस नहीं होगी, ये वैट वाली करंट होगी। तो पॉइंट हम ये शॉर्टकट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वैटलेस करंट होती है, और जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तभी हमारी फाई की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पाई बाई टू। अदरवाइज फाई की वैल्यू पाई बाई टू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती अगर रेजिस्टेंस नहीं है? तो आपने देखो फेजर डायग्राम में देखा था कि अगर करंट हमारा इधर चलता है तो VR अगर होगा तभी एक VR इधर आएगा, अगर VR नहीं होगा तो VC भी इधर होगा, VL भी इधर होगा।
तो अगर वी आर जीरो होगा तभी एंगल टोटल 90 बन पाएगा, तभी हमारा रिजल्टेंट ऊपर नीचे रह पाएगा। सो आर का मतलब लॉस कराना, और आर नहीं है तो फिर वेटलेस करंट है। तो पॉइंट इज कि 90 डिग्री केस में वेटलेस करंट जाएगी, दैट मीन्स उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस लेस सर्किट होना चाहिए आपका। तो वेटलेस करंट इंडिकेट्स टू वर्ड्स रेजिस्टेंस लेस सर्किट। ओके, तो ये इसका फिजिकल मीनिंग था, बाकी मैथमेटिकल मीनिंग आपने यहाँ पे लर्न किया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पर इसको सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल लेट्स से कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक सोर्स लगा हुआ है। और लेट्स से कि जो सोर्स है आपका, दैट इज V इज इक्वल टू 10 टाइम्स साइन 100 टी लगा हुआ है। आर की वैल्यू लेट्स से 100 ओम है, सिंपल नंबर्स मैं चूज कर ले रहा हूँ। सी की वैल्यू लेट्स से 100 माइक्रोफैराड है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड नंबर वन पावर फैक्टर ऑफ गिवन सर्किट। सबसे सिंपली पूछ लेगा कि ये सर्किट है, इसका पावर फैक्टर निकालिए। तो इस पावर फैक्टर को निकालने के लिए आपको कई सारी कैलकुलेशंस इंटरमीडिएट करनी पड़ेंगी। मैं आपको एक मिनट का पॉज देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए और बताइए इसका पावर फैक्टर कितना आता है। सो बेसिकली आपको पहले फाई निकालनी है, फाई के लिए फेजर बनाने हैं, फेजर के बाद फिर कॉस फाई बता देना, कॉस फाई आपका आंसर है। सो अल्टीमेटली आइडिया वही है कि अपने को फेजर डायग्राम बना करके फाई निकालने का और जेड निकालने का, तो सारे आंसर हम दे सकते हैं। सर पर अगर हम वी आर इंटू आई करके समझा नहीं क्या? अच्छा, पावर निकाल करके फिर वी आई से डिवाइड करना चाहते हो, वैसा कुछ नहीं? वी आर इंटू आई किया तो भी तो पावर ही आ जाएगा, क्योंकि वी आर ही पर पावर ही ना। ये पावर फैक्टर निकालना है आपको, पावर नहीं निकालनी है। अब समझ रहे हो, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो पावर का एक्सप्रेशन है उसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा था, उसको बोलते हैं, दैट मींस कॉस फाई को बोलते हैं। और बाकी आप ट्राई कर सकते हो, दूसरे तरह से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है पावर निकालने के लिए, तो वहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि पावर लॉस कितना हो रहा है वो बताने का है, तो पावर लॉस के लिए हाँ ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से आप आई निकालो और आर को यूज कर लो, तो वो रेजिस्टेंस लॉस होने वाला पावर को बता रहा होगा। 1/√2 है, 1/√2 आ रहा है, गुड। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आरसी सर्किट है, और उस आरसी सर्किट में हमको एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम में सेम करंट जाएगी, तो पहले आप करंट को आइडेंटिफाई कर लो, फिर लेट्स से कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अपना, फिर वी आर को ड्रा करो। इनिशियली आपको थोड़ा सा लेंथी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर दो चार बार आप करोगे तो अपने को याद भी हो जाएगा। आपको पता है करंट लीड करती है, तो वी को नीचे लगाना पड़ेगा, ये VC हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा, VR हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में। रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट यहाँ कहीं जाएगा। और अगर आप
को फॉर्मूला याद रहता है तो भी काम करेगा, ये फाइव होता है। आरसी सीरीज सर्किट में फॉर्मूला क्या वो करता था आपको याद होगा, टेन फाइव की जो वैल्यू होती थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन फाइव की जो वैल्यू हुआ करती थी दैट इज एक्स सी अपॉन आर आता है। एक्स सी क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर आता है, बेसिकली वन अपॉन आर ओमेगा सी के बराबर होगा अपना आंसर। यहाँ से फाइव निकल आएगा, क्या अपने को एक्स सी निकाला जा सकता है, तुम चाहे तो एक्स सी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब आप एक्स सी निकालोगे तो वन अपॉन ओमेगा सी आएगा, सी इज 100 माइक्रोफेराड, ये 100 है तो ये 10,000 हो जाएगा, फिर वो माइक्रो पर है तो 100 ओम के बराबर आ जा रहे हैं। तो एक्स सी भी 100 है तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो टोटल कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से अपने को फाइव पता चल गया, फाइव कितना रहा है, फाइव की वैल्यू आ जा रही है 45, फाइव बाई 4, तो कॉस फाइव कितना हो जाएगा, कॉस फाइव हमारा पावर फैक्टर है, कॉस 45 डिग्री दैट मीन्स 1/√2। पावर फैक्टर की कोई यूनिट होगी क्या, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये फैक्टर है, तो 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी भी सर्किट में हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखो कॉस फाइव का और जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। सिंस हमको पता चलता है कि जो टेन फाइव आता है ना, टेन फाइव हम लोगों ने निकाला था कि वो दिस कंपोनेंट बाई दिस कंपोनेंट आता है, तो वहां से हम लोग कॉस फाइव भी निकाल सकते हैं। जब कभी आप कॉस कैलकुलेट करोगे ना तो कॉस में ये बेस वाला लगेगा अपने को, डिवाइड बाई टोटल लगेगा, और टोटल हमारा जेड होता है, तो कॉस फाइव को आप ऐसे याद रख सकते हो, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप देखोगे कि ये हमारा बेस है, बेस में क्या आएगा, वी आर आएगा, और कॉस लगाना है तो फिर रिजल्टेंट आएगा, तो वी आर बाई वी आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी वी आर डिवाइड बाई वी। वी आर को क्या लिख सकते हैं हम, आई इंटू आर, और वी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू जेड। ये कब लगाएंगे, जब सीरीज केस होगा, बिलीव मी, क्योंकि हमने सेम करंट लिया दोनों में, तो सीरीज केस में आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस कॉस फाई कैन बी इक्वल टू आर बाई जेड। इसको भी कॉपी कर लेने का, ये सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में नहीं, क्योंकि पैरेलल में फिर आई सेम ना भी हो सकते हैं फॉर सीरीज सर्किट, कोई भी सीरीज क्यों ना हो, आर एल सी में से तीनों हो सकता है। और बेटर है कि आप यहाँ से फाइव निकालो, इसके बाद उसको यूज कर लो, अपना आंसर आ जाता है। सेकेंड, वैटलेस करेंट। अगला क्वेश्चन जो अपने को पता करना है वो वैटलेस करंट पता करना है। तो उसके लिए आपको Z पता करना पड़ेगा, I पता करना पड़ेगा, फिर I का साइन फाइव वर्जन लेना पड़ेगा। सो वेटलेस करंट निकालने के लिए, या फिर वेटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, कंपोनेंट लिख देता हूँ क्योंकि टोटल करंट हमारा वेटलेस नहीं है, कंपोनेंट ऑफ करंट। सो आप आई कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे आई की जो वैल्यू होती है वो वी वाई जेड होती है, सिंस आरएमएस की वैल्यूज में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो आरएमएस में रहने देते हैं। वी कितना दिया गया है, इसने वी यहाँ पे वी नॉट दिया है, वी नहीं दिया है, वी नॉट आपको पता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो अगर वी नॉट की वैल्यू अपने को 10 पता है तो वी कितना हो जाएगा, तो वी नॉट बाई रूट टू होता है, तो 10/√2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आरएमएस लिख रहा हूँ, बिलीव मी। जेड क्या होगा, Z अपने पास आएगा √R² + X² सीरीज केस है, तो ये बनेगा 10/√2 डिवाइड बाय, दिस विल बिकम 10√2, 100√2, 100 और 100 था इसलिए। सो बेसिकली ये बन जाएगा, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/10 दिखेगा और 2 दिखेगा तो 1/20, 1/20 एम्पियर की आरएम इसकी करंट है, तो सर्किट पे कितना करंट जाएगा वो 1/20 एम्पियर होगा। लेकिन पूछा क्या गया है, वेटलेस कंपोनेंट पूछा गया है, तो व्हाट विल बी द वेटलेस कंपोनेंट, कैन वी से कि इट्स गोइंग टू बी आई साइन फाई, आई कितना आया 1/20, साइन फाई कितना हुआ साइन 45, तो हमारा आंसर आएगा 1/20√2 एम्पियर।
आप लोगों ने रूट टू मिस किया ना, यही एग्जाम में मिस होता है, उसी को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा आरएमएस कौन है, पीक कौन है। और जब कभी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इस तरह से बिना नॉट लगाए, इसका मतलब आप आरएमएस कर रहे हो, आप इसको 10 को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं रख सकते हो वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 10 कौन सा है, 10 पीक है, कन्वर्ट इट इनटू आरएमएस, देन यूज आरएमएस। और व्हाट यू कैन डू कि सभी को आप पीक पे निकालो और पीक से सॉल्व करो, बाद में उसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लो, तो क्योंकि वो आपको 1/20 भी ऑप्शन देगा, 1/20 रूट टू भी ऑप्शन देगा, आप ट्रैप कर सकते हो और वहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ऑप्शन को देख करके। एनीवे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम वर्डलेस करंट कैसे निकाल सकते हैं और पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। और लास्ट पार्ट इसमें मैं पूछता कि आपको एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर, वो आपको सिंपली एवरेज पावर बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि एक साइकिल में निकालनी है, अंडरस्टूड है कि एक टाइम पीरियड में निकालनी है। सो इसके लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पी एवरेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। हाउ मच वी आर एम एस इज 10/√2। Do we know IRMS? Yes, we have just calculated IRMS. That is 1/√20. Cos phi is 1/√2. Multiply कर दो। तो जब आप सबको multiply करोगे तो अपने को पता चल जाएगा 1/4 W। Check कर लीजिए क्या आपका भी यही answer आना था। अगर यही आना था correct, नहीं आना था make the correction। और अगर थोड़ा भी सीरियसली अटेंशन दोगे तो आप समझ सकते हो, नॉट सो बिग डील, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग डील नहीं है, लेकिन रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग डील है। थोड़ी सी प्रॉपर कैलकुलेशन करने से अपने को करेक्ट आंसर मिलता है, अब पूरा मार्क मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, वेटलेस कंपोनेंट निकाल सकते हैं, पावर वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और टोटल करंट भी निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट किया इम्पीडेंस जो हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, और सीरीज केस में आप पावर फैक्टर को डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हो, आर अपॉन जेड, आर जो सर्किट में होगा, तो आपको दिखता है कि जब आर जीरो हो गया तो पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगी, और आर रहेगा तभी तक वो रहेगा, सो रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करेगा। वेल, सो दैट इज अबाउट योर एसी सर्किट्स और उसके प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड स्टोरी। इसके बाद हमारे पास एक और डिवाइस है, ट्रांसफार्मर, बहुत छोटा सा है, हम लोग उसको अभी बेसिक आइडिया ले लेते हैं और वैसे 5 मिनट में कंप्लीट भी हो जाएगा, बट स्टिल उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज करा देंगे और एक दो एग्जांपल भी कर लेंगे। सो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, ट्रांसफार्मर, और ये एग्जांपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल होता है, आपके पास एक फॉर्मूला होगा उस पर रखोगे अपना आंसर बताओगे, दैट्स डन। अपार्ट फ्रॉम कि उसके कॉन्सेप्ट क्या चलते हैं। हाँ, एलसी ऑसिलेशन को भी हम लोग अभी इसी के बाद ही कवर करेंगे, ट्रांसफार्मर के बाद। एलसी ऑसिलेशन का बेसिकली एसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो एक सेपरेट स्टोरी है, तो इसलिए हम लोग उसको ऐसा बोलेंगे, एसी वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा। अभी एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे एलसी ऑसिलेशन है वो हमने को कवर करना है डिटेल में, और आरएलसी सर्किट में डीसी बैटरी लगाने से क्या डिफरेंसेस रहते हैं उसको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो जो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाली इक्वेशन बनेगी, तो दोनों केस को कवर कर लेंगे। और जो आरएलसी हमारा डीसी वाला होगा वो भी एसी से कनेक्टेड नहीं है, और एलसी ऑसिलेशंस जो है वो भी एसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब उसमें हमको एसी सोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, एल और सी आपस में एक दूसरे से में कन्वर्ट होते रहते हैं। सो कल के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे इन टोटालिटी, जिसमें आपके जो बचे हुए एक दो पॉइंट्स हैं एज वेल एज एसी का बचा हुआ पोर्शन। और एसी में एक और छोटा सा डिवाइस होता है चोक कॉइल, उसके बारे में बात कर लेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ बेसिक एक दो लाइंस बोल देता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि लाइट नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर जल गया था और समथिंग लाइक दैट, और आपने देखा भी होगा कि ट्रांसफार्मर
बमर आपके सराउंडिंग में कहीं रखा रहता है, आपने कभी बॉदर किया होगा क्यों लगाया जाता है, क्या पर्पज है इसका, अननेसेसरी क्यों इतना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, डेंजरस भी होता है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ इंपॉर्टेंस रहे होंगे, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, तो क्या बता सकते हो व्हाट द ट्रांसफार्मर डज, एनीबॉडी ऑफ यू, व्हाट द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर इज? दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वोल्टेज. गुड, परफेक्ट. इनफैक्ट तो आप बोलेंगे कि ये रेगुलेट करता है, इससे रेगुलेट करता है द वोल्टेज, तो आपके पास जो वोल्टेज आ रहा होता है ना उस वोल्टेज को ये रेगुलेट कर देते हैं. रेगुलेट करने का मतलब इसको स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कम वोल्टेज आ रहा होता है तो हम उसको बढ़ा करके बना सकते हैं. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, उनका पर्पज होता है कि अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको हम कम करा करके यूज कर सकते हैं. सो वोल्टेज को हमको रेगुलेट करना है, दैट मीन्स कम करना है, ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को. और दो तरह से पर्पज के लिए यूज करते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए. आइडिया बहुत सिंपल है. तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये मोस्टली इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो EMI से लिंक है, कि अगर हम एक कॉइल में करंट को रन कराते हैं तो दूसरे कॉइल में करंट रन करना स्टार्ट कर जाती है. अब एक कॉइल में जो करंट हम रन करा रहे होंगे वो हमारी सप्लाइड करंट होगी, दूसरे कॉइल पे जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो इंडक्शन से आएगी. तो हम दोनों करंट में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, एक इंड्यूस्ड में और एक जो आ रही थी. अगर करंट में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं तो हम पोटेंशियल में भी डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू अवर नीड पोटेंशियल बढ़ाना होता है तो उस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, कम करना होता है तो उस तरह का अरेंजमेंट करते हैं. कैसा दिखता है, बहुत सिंपल है. अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से एक कॉइल का कॉम्बिनेशन लगाते हैं और उसी के पैरेलल उसी के बाजू में एक दूसरी कॉइल लगा देते हैं. आइडिया ये है कि यहाँ पर हम करंट को लेकर के आएंगे, I1 करंट को लेकर के आएंगे. तो अगर I1 करंट इससे चलेगा, ये हमारे सोर्स से कनेक्टेड होती है जहां से वायर आ रहे होते हैं, तो इसको इनपुट कहते हैं, इनपुट. और यहां से अपने को आउटपुट मिलेगा. तो ये जो वायर आते हैं उससे करंट आएगा, और ये आप ऐसा बोल सकते हो इसमें इनपुट वोल्टेज पोटेंशियल आता है, I लिख सकते हैं VI इनपुट. बिकॉज ऑफ दिस यू विल फाइंड कि इन कॉइल्स में ये करंट जाएगा. जब ये कॉइल में करंट जाएगा तो ये कॉइल्स से फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स इससे अटैच हो जाएगा. तो बेसिकली इसका जो फ्लक्स है वो इससे अटैच हो जाएगा. कोशिश करते हैं कि सारा का सारा फ्लक्स अटैच रहे, वेस्ट ना हो. फिर क्या करेंगे, अगर इसमें कॉन्स्टेंट करंट आप लेके जाओगे तो इससे कॉन्स्टेंट फ्लक्स पास करेगा. अगर कॉन्स्टेंट फ्लक्स पास करेगा तो कोई करंट नहीं आएगी. बट हम लोग कौन सा सोर्स रखते हैं, AC सोर्स रखते हैं. तो आप पाओगे कि ये जो करंट है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है. सिंस ये करंट चेंज हो रही होती है तो इससे पास होने वाला जो लिंक फ्लक्स होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का रोल है, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो जो लिंक्ड फ्लक्स होता है वो चेंज करता है. और सिंस लिंक्ड फ्लक्स चेंज कर रहा होता है तो इसके अक्रॉस एक EMF आ जाता है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आ जाता है. तो आपने इनपुट वोल्ट इस पर क्या किया कि आपने केवल AC से इसको कनेक्ट कर दिया एक कॉइल पर, और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट अपने को मिल जाएगा. अब ये जो आउटपुट होता है इसको हम लोग हाउस में यूज़ करते हैं, तो ये फैक्ट्री से आता है, प्रोडक्शन यूनिट से, और इसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं. ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस आने वाले वोल्टेज को यूज़ करने वाले वोल्टेज में बदल देता है. अगर हमारा इनपुट ज़्यादा आ रहा होगा तो हम आउटपुट को कम करने का अरेंजमेंट करेंगे, अगर हमारा आउटपुट इनपुट ज़्यादा आता होगा तो उसको इनपुट को, ये जो हमारा आउटपुट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, वाइस वर्सा. बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है. इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होंगी वो हम बना सकते हैं स्टार्टिंग में. उसको लेट से NP से लिखा जाता है. P मीन्स इसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी में हम लोग इनपुट देते हैं और सेकेंडरी से आउटपुट मिलता है. इसके बाद इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स हम लोग अलग से डिसाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स. तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अल्टीमेट आइडिया हमारा ये बनता है
कि जो इनपुट वोल्टेज है वो NP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आउटपुट वोल्टेज है NS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट जो वोल्टेज आता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स के रेशियो पे आता है. ये इसका फॉर्मूला है, सारे इक्वेशन इसी पर बेस्ड रहते हैं. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. आप इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट बोल सकते हो. तो अगर हम उसी लैंग्वेज को चलें तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी सेटअप पर और सेकेंडरी सेटअप पर अपने को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए. आउटपुट का मतलब सेकेंडरी वाला चाहिए. इसका मतलब ये बनेगा जाए करके NS डिवाइड बाई NP इंटू VP और इनपुट वाला. स्टेप अप को बोलेंगे जब हमने NS पे ज्यादा बड़ा कर दिया, NP को कम कर दिया. तो अगर इस पे नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा कर दिया तो हमको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और अगर हमने प्राइमरी कॉइल्स में ज्यादा टर्न्स लगाए हुए हैं तो हमको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा. दोनों में बराबर टर्न्स लगाएंगे तो जितना आ रहा था उतना ही मिलेगा. सो इस तरह से अपने को इनपुट और आउटपुट वाला आइडिया लग जाता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होंगे जिसमें सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से, और स्टेप डाउन वो होगा जिसमें सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे प्राइमरी कॉइल्स में ज्यादा होंगे. बस हो गया. तो इस तरह से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल देते हैं. एग्जाम में मैनी टाइम इन एग्जाम में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है. वो बोलेगा हमारा इनपुट वोल्टेज इतना है, सेकेंडरी कॉइल्स इतनी है, प्राइमरी कॉइल्स इतनी है, तो बताइए आउटपुट कितना आएगा, बता सकते हैं. तो हमको याद रखना है कि कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो जो होता है इन करस्पॉन्डिंग वोल्टेज के रेशियो के बराबर होता है. फिर करंट को बोलेगा तो करंट का रेशियो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि ये रेशियो ऐसा बराबर क्यों आया, थोड़ा सा और डीप इनसाइड, और जो फॉर्मूला होगा उसको प्रॉपरली मैं लिख दूंगा, एक दो क्वेश्चन भी कर लूंगा आपके लिए, तो वो ट्रांसफार्मर बना कंप्लीट हो जाएगा. और बेटर वुड भी कि आप टेस्ट बुक से एक बार पढ़ के जरूर आइए ट्रांसफार्मर क्या होता है. उसमें कुछ और भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं कि हम किस तरह से फ्लक्स को लिंक करने को मैक्सिमाइज करते हैं और किस तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं. दूसरा कि जो मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उसमें हिस्टेरेसिस लॉस को अवॉइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो लॉसेस आएंगे. लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए और कौन कौन से लॉसेस फीजिबल हैं, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके कभी बोर्ड या किसी और एग्जाम में, सिंपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट इट. इसका फॉर्मुलेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर चोक कॉइल के साथ साथ LC ऑसिलेशंस और RLC का बैटरी वाला कनेक्शन जो है वो भी पढ़ लेंगे. तो आपका EMI AC जो कंबाइंड पैकेज है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा. और मैं कुछ DPP आज भी शेयर करूंगा तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए. और टुमारो इज सैटरडे, यस. तो अगर उसके पास टाइम बचेगा तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो. अगर आपको नीड आती है तो हम लोग संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर डिस्कशन के लिए लगा सकते हैं, इनकेस यू रिक्वायर्स हो. टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है, टेस्ट में कम्प्लीटली आ रहा है. आई मीन लाइक कल के लेक्चर तक जो भी है सारा कुछ आ रहा है. सो जितना भी पैरेलल आपको बताया जा रहा है वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. हाँ, सिंपल सी बात है कि जो अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं जाएगा, बट जितना सीखा है उतने लेवल का जरूर आ सकता है. तो उसमें मैग्नेटिज्म है कम्प्लीटली, दैट मीन्स जहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया था मैग्नेटिज्म, वहां से लेकर के कल के लेक्चर तक पूरा सिलेबस का पार्ट है. कई लोग इस पूरे पार्ट को मैग्नेटिज्म ही बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं. इसमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और बाकी सारा मैग्नेटिज्म और करंट चलता रहता है. इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑप्टिक्स, आपका टेस्ट पेपर होने और इसके डिस्कशन के बाद. सो आप टेस्ट पेपर के बाद आप चाहो तो ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो, मिरर्स और लेंस और व्हाटएवर दे आर. ओके, इफ देयर इज एनी क्विक क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे.